तो फिर भी चलो एक बात के लिए इनको धन्यवाद देना पड़ेगा कि इनने जो हमारी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ पर आकर अपना जन्म करने की सोची। ना ये बीडी बन रही है, ये ओबलंग बन रहे हैं, चौका बन रहे हैं, ब्राह्मण का प्रोग्राम हो रहा है। दे देना जैसे का तो मेल से चाहे पंडित जी का पैर छुए तुमने। पंडित जी के पैर छुए पंडित जी मुझे भी दक्षिणा भी देंगे। हाँ पंडित जी दक्षिणा देंगे। ये प्रेजेंटर रोल नंबर 2 आ चुके हैं। भाभी लो, भाभी भाभी लो, अच्छे गाने गाओ, भजन गाओ कुछ। आज धन्यवाद तुम्हारा। किसी ने गाने चला दिया है बाहर, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कॉपीराइट लग जाएगा यार गाने। कॉपीराइट नहीं लगेगा, हम कर लेंगे किसी से। मैं करता हूँ, मशीन जी से बात करता हूँ आपका कॉपीराइट। वो 5 रुपए आते हैं यार जो वीडियो से, वो भी नहीं आएंगे यार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो यहाँ पर स्नान और हल्दी के बाद अब चल रही है नवग्रह पूजा और हवन की तैयारियां। फिर नवग्रह पूजा होगी और उसके बाद शाम को। जब तक ये लोग धोती पहनते हैं तब तक हम आपको बाहर हवन की तैयारी दिखाते हैं। खाना खाने में सबसे पहले काम करना सबसे लास्ट। तो अब यहाँ पर हो रही है ताला लगाने की तैयारी। भूख से परेशान लोग हमारे मसाब मेरे भाई साहब हमारे और हम दोनों के बीच में इतना प्रेम है हम दोनों भाइयों में कि हम एक ही थाली में से खा रहे हैं। इधर से वहाँ का ये खा रहे हैं और यहाँ का मैं खा रहा हूँ। चलिए मसाब शुरू कीजिए। ओ लता नोएडा को ले जाने की नहीं हो रही है, यहीं खाओ जितना खाना है। इतना अच्छा लग रहा है क्या? ओ निम्मी अभी शाम को भी खाना है। ये जब सब लोग शुरुआत में बैठे थे तब भी यहीं थी, अब सब लोग खा के उठ चुके हैं, कुछ गिने चुने बचे हैं, मतलब 3-4 बैचों के बाद तब भी यही है।
इसलिए खाने और वीडियो बनाने के अलावा यहाँ कुछ काम नहीं किया है। हाँ छोड़ के आना जब तक भूमि वहाँ तक थारी धुलाने तक छोड़ के आना, नहीं तो फिर खाने लग जाएगी। तो अब यहाँ पर चल रही है सवाल बताई, लेकिन धुआं इतना हो रखा है फिर भी दिल्ली वाले लखनऊ वाले पमदा वाले पमदा वाली जड़ जावी हमारी बेल ले रही है जैसे तैसे। यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो बैठ के बनाते हैं वीडियो। अभी कैसा लग रहा है फिर आगे तो खुलने की गाय में धुआं इतना हो रहा है। छुआ मतलब होता है तोता, तोते के लिए बनाए जाते थे पहले, तब इनको सवाल बोला जाता है और उसे उसको कहा जाता था कि निमंत्रण दे के आएगा करके, मतलब स्वीकार करने के शुरुआत में होते थे तब ये रिवाज था, तब ये सवाल हुए। अब मजा आएगा पहले इनको सब पता चला ना। हाँ। तो फिर इनको आपस में सब आस पड़ोस में सब जगह बांट जाता था, ऑफिशियल निमंत्रण जैसा होता था वो। एक हाँ छोटी मामी हमारी चलते हुए आज क्या है, आज क्या है 15 अगस्त को हमारे बच्चों का जनेऊ है, हमारे 4 बच्चों का जनेऊ है, इसमें संजू दिव्यांशु बोलू और बबलू इनका जनेऊ है, उनकी सबसे साल बधाई हो रही है, साल बधाई हो रही है। ये है हमारी बड़ी मामी संजू और गोलू भैया की मम्मी, ये सबसे छोटी मामी है बबलू की मम्मी, और ये है दिव्यांश की मम्मी यानी हमारी मजली मामी वैसे छोटी मामी, और ये है ये भाभी सबकी भाभी है फिलहाल, एकमात्र भाभी है वैसे फिलहाल अभी परिवार की है, और ये हमारी जड़जा है पमदा से आई है। हाँ धुआं ऐसा लग रहा है बधाई हो रही है किसी। देखो कितनी कितना मेहनत से मेकअप करके आई भाभी हमारी, सब मेकअप बह गया, मम्मी का मेकअप बह गया आंसू से, सुबह से पता नहीं क्या क्या पेट में भर रहे हैं ये लोग, व्रत आलू के लिए अभी आलू छीलने लगे हैं बताओ। और इसके साथ स्वागत है हमारे सितारगंज वाले गोलू, छोटे गोलू जूनियर गोलू का। हेलो, ये आज इनको लाइसेंस मिला तो हवन करने से चूक नहीं रहे हैं, सबसे कम उम्र के हवन करने वालों में से हैं आज के। यहाँ चल रही है शाम के खाने की तैयारियाँ, ये यहाँ पर सब्जी बन रही है मेरे आपको जी बोला आलू अभी बस अतिरिक्त से दादा हमारे शाम के खाने के लिए पनीर काटने में लगे हुए हैं, रीस भी कर रहे हैं, रीस भी कर रहे हैं। एक ही काम तो दिया है सुबह से आपको, तुम आई अभी रहा ना, काम ही मतलब और मेरा काम करता कोई दिखा तो होगा नहीं इनको, सभी कारोबार पूरा मैंने थिरिया रखा है सुबह से। बचा कुछ? बचा नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं तो जाते फिर। और यहाँ पर ये हवन समाप्ति की ओर है, और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी का देखें तो चाची लोग आटा गूंथने में लगे, ये पहाड़ की संस्कृति है, ये हमारे गांव की एकता है, आपस में सब किसी का भी काम सब मिलजुल कर निभाते हैं, ऐसे ही जरूरत नहीं पड़ती किसी को बुलाने की कभी खाना वाना ऐसे बनाने के लिए कुछ काम वाम करने के लिए, लेकिन अगर कारवारी ऐसे हो तो फिर जरूरत पड़ भी जाती है। मेरा 2 साल रूल से यार हूँ तो चलिए हम आपको मिलाते हैं, मतलब युवा पीढ़ी है जो हमारी जिनने की पूरे 9 दिन नवरात्रि के मंदिर में, जो मैं आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि तपस्वियों के रूप में रहते हैं, तो इन ये 3 के 3 लोग उस तरह से रहे साइड हो जाओ, ये नहीं था ये तो था ना पिछली, मतलब पिछली बार था ये भी, मतलब बहुत छोटी एज का है, कितने साल लगभग? 4-5 साल छोटा है, लेकिन 2 बार कर चुका है ना, एक बार कर चुका है,
तो आप बताइए कैसा रहा आपका अपना बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा ज्यादा पिछली बार की बात नहीं कर हमारा बहुत अच्छा रहा हाँ। हम चाहते हैं कि हमको और मौके मिले ऐसे आते रहे हम लोग और ऐसी कृपा बनी रहे और इससे ज्यादा क्या कहें अब दोस्त यहाँ आके ये हो रहता है कि आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उनसे मिलने का रह जाता है सबसे बढ़िया होता है और ये टाइम ऐसा है कि चैत के नवरात्रि में एक लास्ट में होली अगर होली में नहीं आए तो लास्ट दिन होली भी गाई जाती तो उसमें हाँ, रामनवमी के दिन वाह ये बता लियो अब कैसा लगा ऐसा अनुभव बहुत अच्छा लगता है शुरू में दर्शन लगता है कि पता नहीं क्या हो कैसे हम कैसे करेंगे वहाँ जाओगे तो सबके साथ घूम जाते हैं और भूख का कोई अनुमान नहीं देता भूख तो रात में नहीं लगती पता है चलेगा भी कैसे आलू के दाने छिपा के रख लेते हैं लोग सुबह के लिए आलू खाने का मन ही नहीं करता वहाँ ये तो गुड़ खाना उनका डेरा डेर मतलब इतने इतने बड़े बड़े गुड़ के डेढ़े खाते हैं मतलब लाख लाख का हमारे मुकेश दा की शादी होगा मुकेश दा की शादी हो गए तो हमें भी बारात जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा यदि हमें सालों साल हो गए हम अभी तक बारात ही नहीं गए इसलिए हम इच्छा है हमारी मन में कि मुकेश दा की शादी हो और हम उसमें जाए और हमारे दादा हुए इसलिए तो हम जरूर जाएंगे बस मुकेश दा की घर वालों की समा चाहिए और मुकेश दा ने लड़की ढूंढ रखी है बस शादी की देरी है अब अपना वर्डिंग देना चाहता हूँ ये शक्ल देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं एक हमारे पास भैया तुम सुनो ये पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हुआ लड़का है इस पे सक्या मुझे पूरा यकीन है रवि इसकी बात पे इनने बताया है ये सब काल्पनिक बातें हैं इनका कोई तो हवन पूजन संपन्न होने के बाद अब भोजन की बारी है तो सबसे पहले कन्या भोजन करेंगी उसके बाद व्रती वाले जो व्रत वाले हैं वो भोजन करेंगे और उसके पश्चात बाकी जनता भोजन करेगी यहाँ पर व्रत वाले धोती में जो खाते हैं सात्विक रूप से वो लोग सब भोजन ग्रहण कर रहे हैं चाचा हमारे गर्मा गर्म पूरियां तेल में डालते हुए दादा तलते हुए और चाचा सब्जी का कारोबार देख रहे हैं अच्छा वो था यहाँ मलिक चाचा दादा हमारे बेलने में लगे हुए हैं दादा चाचा दादा भाई तरी वाला हलवा ले लो तरी वाला हलवा तरी वाला हलवा जबरदस्त बजे से ज्यादा ना हलू बस तरी वाला हलवा तरी वाला हलवा किसको चाहिए तरी वाला हलवा देखिए पहली बार तरी वाला हलवा पहाड़ में यही मिलता है कद्दू की सब्जियां कद्दू की पूरी तुम्हारे मुख था 30 दिन तब उठ लागी तुम चल सर मच्छर बेचने जब तुम खनन बैठ सा वो मच्छर आप छूट ले आदमी लोग तुम खाना में था ढील बाबा से यार कर लू की ओए हम तो आलू खाने आई हूं तो अब संजू भैया का जूड़ा बद गया इसे जूड़ा बदना कहते हैं अब इस हिसाब से इनके सुबह बाल कटेंगे और कान छेदे जाएंगे और उधर गोलू भाई रोल नंबर 2 के बद रहे हैं रोल नंबर 3 इंतजार में हैं रोल नंबर 4 नींद निकाल रहे हैं।